नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं H24। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए पढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी के बावड़िया स्थित स्टार सिटी में आज नवीन शिव मंदिर में स्थापना एवं प्रसाद वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। शिव की 12 उंगली ऊंची आकर्षक प्रतिमा ओकारेश्वर से लाई गई है। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक रूपल आशीष शुक्ला यजमान के रूप में उपस्थित रहे। शिव परिवार की स्थापना के साथ ही 3 दिवसीय आयोजन हवन की पूर्ण आहुति के साथ संपन्न हुआ। 4 विद्वान पंडितों ने शास्त्रोक्त विधि से आयोजन संचालित किया। इस आयोजन में आशीष द्विवेदी, कैपी सिंह, अनिल भदौरिया एवं स्टार सिटी के रहवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। नमस्कारोमि ओम
मेरा नाम देवेंद्र दुबे है। यहाँ पर त्रिदिवसीय शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन रखा जा रहा है, जिसका आज तृतीय दिवस है। दो दिन में भगवान के 5 प्रकार के वास करा दिए गए हैं और कल नगर भ्रमण करने के बाद में आज भगवान का महाभिषेक हुआ और महाभिषेक के बाद भगवान के सारे न्यास कराए जाएंगे, संस्कार कराए जाएंगे। इसके बाद में भगवान को प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा और हवन पूर्ण होती इसके बाद 2 बजे से भंडारा का आयोजन रखा गया है। यहाँ पे कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया था, कहाँ से कहाँ तक निकाली गई थी कलश यात्रा? कलश यात्रा ये आसियाना आंगन कॉलोनी करके सामने कॉलोनी है, वहाँ से मंदिर है श्री राम जानकी मंदिर, वहाँ से कलश यात्रा प्रारंभ की गई थी और यहाँ तक कलश यात्रा लाई गई, पूरी कॉलोनी में भ्रमण कराया गया। आज भगवान का पूरा परिवार यहाँ पे आपने प्रभु के आशीर्वाद से कार्य संपन्न हो रहा है। सभी लोग बहुत हर्षित हैं, मैं भी बहुत प्रफुल्लित हूँ। प्रभु कृपा ऐसी बनाए रखें, ऐसे ही हमें अवसर प्रदान करते रहें कि हम आगे भी प्रभु की सेवा में लगे रहें। बस अब भगवान की प्रतिष्ठा के बाद हवन का हवन के बाद फिर भंडारा किया गया है, सभी ब्राह्मणों की बधाई और फिर ब्राह्मणों की बधाई है। 5 ब्राह्मणों के द्वारा आयोजन कराया जा रहा है जी। कहाँ कहाँ से आए हुए हैं ब्राह्मण? भोपाल से ही, चारों कोनों से भोपाल से पधारे हैं ब्राह्मण लोग और आयोजन के मुख्य यजमान श्री आशीष शुक्ला जी, श्रीमती रूपल शुक्ला जी। रुद्र स्टेट दीदी, आपका परिचय? मेरा नाम रूपल शुक्ला है और आपके परिवार के द्वारा एक इतना बड़ा पुण्य का काम किया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? इससे प्रसन्नता की बात मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकती कि मेरे द्वारा प्रभु का निर्माण यहाँ स्थापना हुई है और मैं चाहूँगी इस जन्म में नहीं अगले हर जन्म में मुझे ऐसे भाग्य मिले कि मैं प्रभु की स्थापना हर जीवन में करती रहूँ। उसमें क्या संदेश देना चाहेंगे कॉलोनी वासियों को और शहर वासियों को? यही देना चाहूँगी संदेश कि अपने जीवन को सफल और हमेशा अपने भाग्य को उदय करने के लिए महाकाल के भगवान प्रभु की आराधना करें और उनके आराध्य बने। कैसी प्रेरणा मिली आपको कि मतलब अपने को एक प्राण प्रतिष्ठा करनी है और शिव जी का आगमन करना? प्राण प्रतिष्ठा करनी है ये मेरे पतिदेव का था कि ये कॉलोनी हमने बनाई है और यहाँ पे शिव जी का निवास हो, कि सभी लोग यहाँ के पूजा अर्चना कर सकें और हमारे हिंदू धर्म की व्याप्ति हो। हर समस्या का हल महादेव को एक लोटा जल। जय 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 हर 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 महादेव, जय महाकाल। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल फिर एक नई खबर के साथ। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।